हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप के बारे में। अब देखिए, इन इन दोनों क्लिनिकल्स को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। दोनों के दोनों क्लिनिकल्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फुट ड्रॉप की पूरी डिटेल क्लिनिकल्स के बारे में, और इसके बाद वाली वीडियो आएगी हमारी रिस्ट ड्रॉप की पूरे के पूरे क्लिनिकल्स के बारे में। अब देखिए, फुट ड्रॉप बेसिकली ये होता क्यों है या फिर ये किस चीज़ का क्लिनिकल है, तो देखिए, फुट ड्रॉप को आप पढ़ते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व के क्लिनिकल में। मतलब कि फुट ड्रॉप होता है कॉमन पेरोनियल नर्व CPN के डैमेज के कारण या फिर इस नर्व के कंप्रेशन के कारण। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, डैमेज या फिर कंप्रेशन। डैमेज और कंप्रेशन किसके डैमेज और कंप्रेशन के कारण? कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए फिबुलर। तो कॉमन पेरोनियल या फिर फिबुलर नर्व के डैमेज के कारण होता है। अब बात ये आती है कि ये नर्व कैसे डैमेज होती है। तो देखिए, ये नर्व डैमेज होती है रिजल्ट फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ सॉरी हेड ऑफ फिबुला, हेड ऑफ फिबुला। सॉरी, तो यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे आएगा नेक ऑफ फिबुला। तो मतलब क्या कि नेक ऑफ फिबुला में फ्रैक्चर के कारण हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है। अब नेक ऑफ फिबुला पे ही क्यों डैमेज होती है? तो देखिए, अगर आपने सेपरेटली कॉमन पेरोनियल नर्व या फिबुलर नर्व को पढ़ा हो, तो देखिए ये किससे निकलती है। सबसे पहली बात तो ये कि कॉमन पेरोनियल नर्व किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व। और देखिए, जैसे ही सियाटिक नर्व नीचे की तरफ आती है, तो देखिए दिस इज सियाटिक नर्व, ये नीचे की तरफ आती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली होगी कॉमन पेरोनियल ब्रांच एंड एक होती है इसकी टीबियल ब्रांच। और जो कॉमन पेरोनियल ब्रांच होती है वह नेक ऑफ फिबुला के चारों तरफ राउंड अप होती है, और नेक ऑफ फिबुला के चारों तरफ राउंड अप होने के बाद ये खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके दो पार्ट कौन से? सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। पेरोनियल बोल दीजिए, फिबुलर बोल दीजिए, और बेसिकली होगी कहाँ पे? फिबुलर बोला है तो बेसिकली लेटरल साइड होगी ना, फिबुलर मतलब फिबुला, लेटरल साइड। तो नेको फ्रैक्चर में रीजन ये है कि क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व नेको फिबुला के चारों तरफ राउंड अप होती है, इसीलिए नेको फिबुला में अगर फ्रैक्चर हुआ तो CPN कॉमन पेरोनियल नर्व भी CPN भी डैमेज हो जाएगी। तो देखिए ये क्या है, दिस इज सियाटिक नर्व। और ये क्या है हमारी CPN, CPN यानी कॉमन पेरोनियल नर्व, और ये क्या है टीबियल नर्व। तो दिस इज टीबिया, सियाटिक दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब कॉमन पेरोनियल नर्व भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दिस इज डीप पेरोनियल नर्व, और ये होगी हमारे पास सुपरफिशियल। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। अब बेसिकली जो डीप पेरोनियल नर्व है, बेसिकली ये कहाँ सप्लाई करती है? एंटीरियर साइड ऑफ लेग और फुट में, लेग में भी सप्लाई करेगी और फुट में भी सप्लाई करती है। नीचे आते आते फुट में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो इन फिंगर्स होती है उसके बीच वाली स्किन को। तो डीप पेरोनियल नर्व बेसिकली ये कहाँ जाती है? एंटीरियर साइड ऑफ लेग, एंटी रियरली। जबकि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व बेसिकली ये कहाँ जाती है? ये जाती है लेटरली, मतलब लेग के लेटरल साइड वाली सप्लाई ये करेगी और एंटीरियर साइड वाली सप्लाई ये करेगी, तो लेटरली। अब देखिए, जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, आपको पता हो तो ये सप्लाई करती है टू मसल्स को। टू मसल्स कौन सी? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। और आपको पता हो तो ये दोनों मसल्स क्या करवाती हैं? ये दोनों मसल्स कराती है ई वर्जन ऑफ फुट, होता है ना इनवर्जन और ई वर्जन, एक होता है आयन एक होता है इनवर्जन।
ओके तो मैं इन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ई वर्जन ऑफ फुट। तो ई वर्जन ऑफ फुट कौन कराती है? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। अब देखिए इन दोनों मसल्स को सप्लाई कर रही है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ओके अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर हमारा फुट ड्रॉप हुआ, फुट ड्रॉप होने का मतलब सीपीएन डैमेज हो गई, सीपीएन डैमेज हो गई मतलब सुपरफिशियल भी डैमेज हो गई। सुपरफिशियल डैमेज हो गई तो इन दोनों मसल्स को नर्व सप्लाई नहीं मिल पाएगी और ये दोनों मसल्स हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो क्या होगा? ई वर्जन ऑफ फुट भी नहीं, ई वर्जन ऑफ फुट नहीं हो सकता। तो ये क्या कराती है? फुट ई वर्जन, सुपरफिशियल पेरोनियल कराती है फुट ई वर्जन। तो बेसिकली सीपीएन के डैमेज होने से हमारा फुट इवर्जन नहीं हो सकता, जबकि जो डीप पेरोनियल नर्व है बेसिकली ये सप्लाई किसको करती है? हमारी एक्सटेंसर मसल ऑफ लेग को, एक्सटेंसर मसल्स होती है ना आगे की साइड एंटीरियर साइड, उनको सप्लाई करती है। और बेसिकली जो डीप पेरोनियल नर्व है ये जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो सारी मसल्स क्या करवाती है? डोर्सी फ्लेक्सन, डोर्सी फ्लेक्सन। ओके तो ये सारी की सारी कराती है डोर्सीफ्लेक्शन। मतलब क्या कि हमारा लेग अगर सीपीएन डैमेज हुई तो डीप पेरोनियल नर्व भी डैमेज होगी, अगर ये डैमेज हुई तो हमारा डोर्सीफ्लेक्शन हो फुट भी नहीं हो सकता। ओके देखिए सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व ये क्यूटेनियस सप्लाई भी देती है, तो कॉमन सी बात है कि जो सेंसेशन है वो भी अफेक्ट होगा। डीप पेरोनियल नर्व जिस जिस जगह की स्किन को सप्लाई करती है वहाँ उस स्किन का सेंसेशन भी काम नहीं करेगा। मतलब उस जगह का, उस जगह उस स्किन पे अगर हम कोई पिन भी चुभोए तो हमें कोई भी एहसास नहीं होगा, हमें कोई भी फील नहीं आएगी। उसी तरह से सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जिन जिन स्किन जिस जगह की स्किन को सेंसेशन देती है, जिस जगह की स्किन को सप्लाई करती है वहाँ भी हमें कोई फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई है। ओके तो क्या क्या मेन पॉइंट क्या है? मेन हमें याद क्या करना है? देखिए मेन हमें याद करना है ये वाला कि फुट इवर्जन नहीं होगा और डोर्सीफ्लेक्शन नहीं होगा, और साथ साथ ये दोनों नर्व जिन जिस जिस जगह की स्किन को सप्लाई करती है वहां भी हमें कोई सेंसेशन फील नहीं होगा। ओके और रीजन क्या है? रिजल्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेको फिबुला। ओके तो ये सारा का सारा हो गया हमारा रिस्ट, सॉरी फुट ड्रॉप। ओके अब देखिए हमने बोला था कि रिस्ट ड्रॉप भी इससे बहुत सिमिलर है, वो कैसे? देखिए रिस्ट ड्रॉप में आप क्या पढ़ते हैं? रिस्ट ड्रॉप में आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रेडियल नर्व की क्या हो जाएगी? इंजरी मतलब डैमेज और कंप्रेस। कौन सी नर्व डैमेज और कंप्रेस होगी? हमारी होगी रेडियल नर्व। किसके अंदर? रिस्ट ड्रॉप के अंदर। किसका फ्रैक्चर होगा? उसमें फ्रैक्चर होगा हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का। ओके तो देखिए रिस्ट ड्रॉप का हमारा इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम सारा का सारा रिस्ट ड्रॉप आपको कवर करेंगे कि रिस्ट ड्रॉप किस किस जगह पे फुट से सिमिलर है, मतलब ओके दोनों कैसे सिमिलर है। तो ये सारा का सारा था फुट ड्रॉप के ऊपर।